Hello everyone. In last topic, we had talked about weather. Now today we are going to start our new topic, activity 7.1. So let's get started. Cut out the weather report of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather report from a library. Paste all the cutout on a white sheet or on a chart paper. New record the information from the weather report collected by you, table 7.1, the first row is just a sample. Fill in the columns according to data in the chart that you have prepared. See, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक वेदर रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था जिसके अंदर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखने था डेट वाइज. तो यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन आपको एक कॉलम दिया है तो ये कॉलम के अंदर आप ऐड करना है. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंड्रिकल विथ अ फनेल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. देखो, रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको रेन गेज कहते हैं. ये बेसिकली एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके टॉप के ऊपर एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करता है. डू ऑल द सेवन डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. कि अगर हम पूरे एक वीक की रिपोर्ट कलेक्ट करें तो क्या हर एक दिन सेम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर या तो रेनफॉल रहता है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज. के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो चाहे एक या दो दिन सेम रहता है, उससे ज़्यादा सेम नहीं हो सकता है. हाउ ओवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी टू डेज. कि कोई भी पैरामीटर है तो वो एक या दो दिन से ज़्यादा तक सेम नहीं रह सकता है. ओवर अ वीक देर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशंस. कि एक या दो वीक में बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में या तो रेनफॉल के अंदर. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. कोई भी एक प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पे डे टू डे में उसके ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड ये सब के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन डे टू डे निकलता है तो उसको वही जगह का वेदर कहते हैं. जैसे कि हम अपने भुज रीजन की बात करें तो वहाँ पे डे टू डे जो भी ह्यूमिडिटी रहता है, टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल रहता है, विंड स्पीड रहता है, ये सारी चीज़ें वेदर के अंदर इंक्लूड होती है. तो इसके अकॉर्डिंगली भुज का वेदर डिसाइड होता है. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. अभी देखो, जो temperature है, humidity है और जितने भी factors हैं तो वो सबको elements कहते हैं. Elements किसका? Weather का elements कहते हैं. The weather of a place change day after day and week after week. कि जो weather है वो place के according day to day या तो week to week change होता रहता है. That is why we often says today's weather is too humid. तो day to day या तो week to week जो वेदर के अंदर चेंज आता है इसकी वजह से हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या तो टेम्परेचर ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. और the weather was warm last week. The weather is such as a complex phenomenon that is can vary over very short period of time. कि ये जो वेदर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है. या तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर या तो बहुत ही चेंज हो जाता है. इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली. कि स्पेशली हमने ये चीज़ मॉनसून के अंदर नोटिस किया होता है कि सुबह में दोपहर के टाइम तक बहुत ही ज़्यादा सनी एटमोसफियर रहता है और सडनली क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाता है. और अ हैवी रेन मैनी वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन. कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अचानक से क्या हो जाता है कि वो बारिश थम जाती है और सनी शाइन फिर से निकल जाता है. यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसिस. कि आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे. ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.
सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट, कि ये जो वेदर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, हम उसको ईजिली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय. कि नेक्स्ट पेज में आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर दिखाया गया है जो कि रिकॉर्ड किया गया है शिलोंग मेघालय का. सो हियर इज द बार ग्राफ. तो यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है और पास में उसका पूरा बॉक्स दिया गया है कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सी डेट पे कितना रहा है. एज इट इज़ क्लियर एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे. जैसे कि ये रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हर एक जगह का जो वेदर रिपोर्ट है तो वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है. डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड. इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर द पर्पज कोल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. कि हमने चैप्टर 4 जो हीट है उसके अंदर देखा था कि टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं, तो जिसको मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं. कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम. क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं कि दिन में कौन से टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और कौन से टाइम में मिनिमम टेम्परेचर रहता है. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. कि जो दोपहर का टाइम है तभी मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तभी मिनिमम टेम्परेचर रहता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिसमरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कम्फर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. कि ये टेम्परेचर से हमें पता लग जाएगा कि हम समर में आफ्टरनून में इतने मिजरेबल क्यों रहते हैं और अर्ली मॉर्निंग में हमें ऐसा कूल फील क्यों होता है. तो ये वेदर की वजह से. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. देखो हर एक वेदर के अंदर जो भी चेंज आता है वो सन की वजह से आता है. द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. कि सन के आसपास में गैसेस के बहुत ही ह्यूज क्लाउड्स रहते हैं, टेम्परेचर उसका बहुत ही हाई रहता है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज. कि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑफ द अर्थ. कि इतनी दूरी होने के बावजूद भी सन में से इतनी एनर्जी हमें मिलती है कि जिसमें से पूरी अर्थ का जो लाइट है वो चलता है, जिस जो सोर्स ऑफ हीट है जिसको लाइट कहते हैं तो वो हम तक पहुंच जाता है. सो द सन इज़ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कॉज़ेस चेंजेस इन वेदर. कि जो सन है उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं एनर्जी का, कि जिसके अंदर से हमें वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. अभी देखो जो energy absorb होती है और reflect होती है Earth से, तो उसके अंदर ocean और जो Earth का surface है वो बहुत ही ज़्यादा important role play करता है weather के changes के अंदर कोई भी place का. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from the other place in desert or near a mountain. कि जब भी आप sea portion में रहते हैं उसके आसपास में तो आपको पता चलता है कि sea places है वहाँ का temperature और जहाँ पे mountains है या तो desert है उसका temperature भी अलग रहता है. What about the time of sunrise and sunset? क्या आपको पता है टाइम क्या होता है सनराइज़ का और सनसेट का? यू नो दैट द विंटर्स इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू. कि विंटर के टाइम में क्या होता है क्योंकि सुबह तो जल्दी हो जाती है पर सन जल्दी नहीं निकलता है और आपको खेलने के लिए टाइम भी थोड़ा कम मिलता है. आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर. कि जो विंटर का दिन है वो समर की कंपेरिजन में शॉर्ट होता है. ट्राई टू फाइंड इट
out yourself by completing the project given at the end of the chapter. कि यहाँ पे chapter के end में project दिया गया है, तो वो तो हम बाद में करेंगे, पर ये चीज़ तो आप आज सोचिएगा और समझिएगा कि विंटर के दिन में और समर के दिन में फ़र्क क्यों आता है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट्स के बारे में देखेंगे, तब तक के लिए ये चीज़ थोड़ा स्टडी करते रहिए. थैंक यू.